हेलो एवरीवन, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंपार्टमेंट प्राइवेट इम्प्रूवमेंट पत्राचार रिपीटर कैंडिडेट्स 2021 इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। आप जितना टेंशन कर रहे हो, बेसिकली प्राइवेट कैंडिडेट्स का जिनका प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं है वो 80 मार्क्स का पेपर लिख कर आ रहे हैं। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का भी वही हाल है, वो लोग टेंशन में है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर 11 तारीख को नोटिस आया था तो उनमें इतना लिखा गया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, उसका क्या होगा। साथ ही साथ अदर जो कैंडिडेट्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। सीबीएसई का खुद ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन वगैरह आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल मार्क्स किस तरीके से आपको दिए जा रहे हैं और क्या पैटर्न रह रहा है। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आप सबके लिए ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे भी देने वाला हूं और मैं आप सबके साथ बना हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी सेकंड्स के वीडियो में आप सबको पूरा पैटर्न किस वे में आपको जो है ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रैक्टिकल का, मैं आप सबको बताऊंगा। बेसिकली प्राइवेट कैंडिडेट्स और इंप्रूवमेंट वाले ध्यान अच्छे से देंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपनी इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और कंप्लीट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़, डाउटनट लेकर आया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां पर टॉप इंग्लिश टीचर्स आपको इंग्लिश सिखाएंगे, वो भी हिंदी में। यही नहीं, हर बच्चा इंग्लिश बोलना सीख सकता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, कोर्स के कंप्लीट के बाद आपको मिलेगी सर्टिफिकेट। अपना सपना पूरा करो इंग्लिश बोलने का, जहां पर बेस्ट क्वालिटी मिल रही है डाउटनट की तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड दी ऐप नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपार्टमेंट प्राइवेट और कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और रिपीटर कैंडिडेट्स, आप लोग बस प्राइवेट कैंडिडेट्स को हटाकर जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कभी भी 2019 के बैच के हो, 2020 के बैच के हो या 2021 बैच के हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो स्टूडेंट प्रैक्टिकल मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम में एक बार अपियर हो चुका है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, एक बार अपियर हो चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, एक बार जो एग्जाम में अपियर हो चुका है प्रैक्टिकल एग्जाम का और उसका जो मार्क्स है जो स्कूल के तरफ से दिया गया था वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कंपार्टमेंट स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक भी चेंजेस वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देकर मैं अपना मार्क्स इंक्रीज करूं तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्कूल के टच में नहीं हो, स्कूल के कॉन्टैक्ट में नहीं हो 2019-2020 के बैच के कंपार्टमेंट स्टूडेंट और एज वेल एज 2021। अब इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स भी अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके हैं तो उनके भी प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, तो उनको भी कोई एग्जाम देना नहीं है, उनका पुराना वाला ही मार्क्स उनको मिलेगा। पुराना वाला ही मार्क्स जो आपका था इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स, वही आपको मिलेगा। आप बस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, आपने जो फॉर्म भरा है आप इंप्रूवमेंट के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली अब बच गए प्राइवेट कैंडिडेट्स। प्राइवेट स्टूडेंट का एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ नहीं है तो उनको कौन से कैटेगरी से मार्क्स मिलेगा, कौन से रूल से मिलेगा, तो अभी तक दो ही चीज पता चला है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, और दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों कि सीबीएसई खुद आपको 20 out of 20 दे दे या 18-19, उन लोगों के चॉइस के ऊपर है, क्योंकि आपका एग्जाम हुआ नहीं है और एग्जाम कराने का कोई अल्टरनेट भी उनके पास नहीं है। ऐसे में आप लोगों के एग्जाम को वहां पर मार्क्स देने के लिए, प्रैक्टिकल मार्क्स देने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है या तो आपका एग्जाम थ्योरी जो एग्जाम के लिए वेट कर रही है सीबीएसई, जैसी थ्योरी एग्जाम होगी आपका परफॉर्मेंस क्या रहेगा उसके बेसिस पे वो लोग आपका प्रैक्टिकल मार्क्स दे देंगे। तो ये है एक बड़ी खबर। तो इसका मतलब जो भी 80 मार्क्स का पेपर स्टूडेंट लिख कर आ रहा है तो 80 में से उसको बस 26.5 उठाना है पास होने के लिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बस 26 मार्क्स तक ही अटेम्प्ट करके आओ, पूरा अटेम्प्ट करके आओ ताकि अच्छे मार्क्स भी बन सके। तो ये रूल है। और जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों में था कि हमारा मार्क्स चेंज हो जाएगा प्रैक्टिकल फिर देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 तारीख को एक नोटिस आया था, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का पुराना डेटा ही लिया जाएगा, आप लोग जाकर देख पाओगे, 11 तारीख का नोटिफिकेशन था। तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर अपडेट्स के लिए मैं हूं आप सबको बताता रहूंगा। अल्लाह भगवान जीसस सबके दुआएं लेकर आप अपने अच्छे से एग्जाम दें, और जो दे चुके हैं बस थोड़ा इंतजार कर ले, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच।